चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 की कुछ खास खबरों पर। नवादा में आई अचानक सूखी नदियों में बाढ़, बैसाख महीने में आई अचानक बाढ़ को देखने लॉकडाउन को उल्लंघन कर उमड़ी लोगों की भीड़। पटना के विक्रम में राजद जिला महासचिव उज्जवल यादव ने विक्रम के कई गांवों में बांटे 51,000 मास्क। पटना NMCH में वार्ड बॉय का हड़ताल, 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने से नाराज वार्ड बॉय ने किया हड़ताल। किरानी गोविंद मिश्रा को ट्रांसफर करने का अस्पताल प्रशासन से लगाया गुहार। पटना लॉकडाउन कानून के बावजूद सड़कों पर जुलूस निकाले लोगों ने सोशल डिस्टेंस की उड़ाई धजियां। कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग पर निकाली गई थी जुलूस। अरवल जिले के कुर्था पंचतीर्थ घाट नदी में मिला एक युवक की लाश, इलाके में फैली सनसनी। गहरपुर निवासी नारायण सिंह शिव ईंट भट्टे पर करता था काम। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 362। नवादा में सोशल मीडिया पर एक विशेष समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में कौआकोल थाना के मडुहर गांव निवासी अमित शर्मा गिरफ्तार। नवादा मोबाइल चोरी को लेकर हुई मारपीट में घायल शिवम को इलाज के दौरान सोमवार को हुई मौत। नवादा जिले के रजौली के चितर गोली गाँव में 5 सूत्री मांगों को लेकर खेग्रामस ने दिया एक दिवसीय धरना रखा उपवास। नवादा जिले के पकरी बरावा में वाहन चेकिंग के दौरान आरक्षी निरीक्षक के बॉडीगार्ड राजकुमार को तेज गति से आ रही बाइक ने मारी धक्का, बॉडीगार्ड घायल। नवादा वाहन चेकिंग के दौरान 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, एक देसी कट्टा 9 mm का जिंदा कारतूस बरामद।